आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। हापुड़ हाईवे के किनारे एक सूटकेस में मिला महिला का शव। आपको बता दें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां हाईवे के किनारे एक सूटकेस में 25 से 30 साल के महिला का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को खोला। सूटकेस में से एक महिला का शव बरामद हुआ। महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए। वहीं सूटकेस में कुछ कपड़े व महिला के पैर में बिछुआ व कलावा मौजूद है। पुलिस का कहना है कि घटना एक दिन पहले की है। सभी सबूतों का आकलन करके इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, हम घटनास्थल पर ही है। ये जो हाईवे जा रहा है, हाईवे से थोड़ा सा नीचे जो पैरेलल रोड, जो सर्विस रोड चलती है, उसके ऊपर एक लाल रंग के सूटकेस में एक बॉडी की सूचना मिली थी। फोरेंसिक यूनिट बुला करके इसको देखा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शरीर पे कुछ चोटों के निशान है, कुछ कपड़े हैं उसमें। इन सभी के जो सारे सुरागों का जो आकलन करके और इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद घटना का कारण पता चलेगा। इसमें किसका शव था, लगभग उम्र कितनी थी? ये लगभग 25-30 की उम्र प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि शायद एक दिन पहले की घटना ऐसी प्रतीत हो रही है। एक महिला है, पैर में उसके एक एक बिछुआ है और यही अभी तक जानकारी है। इसके अलावा कोई और पहचान का कोई चिन्ह अभी नहीं मिला है।